ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। हाल ही में दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने माता सुंदरी कॉलेज के बाहर पिंक चौकी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कॉलेज के ऑडिटोरियम में रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और हेल्थ केयर एसोसिएट स्टार एडुकम के चेयरमैन डॉक्टर समीर भाटी को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास हुआ। पुलिस ने आज दुनिया में अपना एक अलग और नया मकाम बनाया है। पिछले 75 सालों से, यानी कि भारत की आज़ादी के समय से ही देश में बहुत बदलाव आए हैं और दिल्ली पुलिस ने इन बदलावों के साथ अपने आप को बदला है और हर मौके पे खरा उतरकर एक अलग तरह की एक पुलिसिंग इस शहर को दी है। जैसे समय के साथ ये शहर बदला है, वैसे ही समय के साथ दिल्ली पुलिस भी बदली है। आज का जो कार्यक्रम हम लोग करते आ रहे हैं, ये महिला सशक्तिकरण की तरफ दिल्ली पुलिस का एक बड़ा और अथक प्रयास है। जिस चीज़ का इनॉग्रेशन करती हूँ, मुझे लगता है ये फले फूले, लेकिन आज जिस चीज़ का मैंने इनॉग्रेशन किया है, दैट इज सच अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई भी लड़की इस पोजीशन पे आए कि उसको पिंक बूथ में जाके कोई रपट लिखवानी पड़े। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स, दिस इज फॉर द मेन ऑल्सो। वी शुड मेक द गर्ल्स फील वेरी सेफ। मैं भी एक बेटी भी हूँ, माँ भी हूँ, मदर इन लॉ भी हूँ, ग्रैंड मदर भी हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह छोटी थी, तब से वी वर ओनली 3 सिस्टर्स। हमारे टाइम में आई एम मोर देन 55 प्लस, आई विल नॉट टेल यू माई एज, बट यस,
लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी हम लोगों को ये नहीं कहने दिया कि दे डोंट हैव अ सन. हम लोगों को वी हैड द बेस्ट एजुकेशन. आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली. आई गॉट इंगेज्ड आफ्टर आई डिड 12th. सो बहुत ज़्यादा उस टाइम पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने मुझे पढ़ाया. सो मदर इन लॉ का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों के यहाँ होता है, मेरे फादर कह रहे थे कि शादी के बाद क्या पढ़ना, घर गृहस्थी है. आई वॉज अ हाउस वाइफ, बट माई मदर इन लॉ टोल्ड मी कि नहीं, तुमको एम ए का एग्जाम देना है, तुमको आगे पढ़ना है. आई डिड माई बी एड. सो यू नो इट इज विद इन द सोसाइटी कि हम लोग एक दूसरे की मदद करें. बच्चे हैं, राकेश ने कल बोला मुझे नहीं पता था दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, मुझे दिल्ली बहुत बड़ा शहर लगता है. राकेश ने बोला शायद 2 करोड़ लोग रहते हैं, उससे ज़्यादा. 2 करोड़ तो ऑफिशियल है, उससे ज़्यादा लोग रहते होंगे. तो उसमें से 1 करोड़ तो लड़कियाँ, बच्चियाँ, बहनें, माताएं, कुछ हमसे बड़ी होंगी, कुछ हमसे छोटी होंगी. यंग गर्ल्स गोइंग टू कॉलेज. वी हैव टू एजुकेट द बॉयज मोर देन वी एजुकेट द गर्ल्स. इन लोगों को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं हम लोग, लेकिन द पीपल जिनके अगेंस्ट इनको ये मार्शल आर्ट यूज़ करना पड़े, मैं कभी नहीं चाहूँगी. अपने लड़कों को हम लोग एजुकेट करें कि वो लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दें, टू बी एज गुड एज देम, बट आई थिंक दे आर मच बेटर देन देम. क्योंकि ये दिल्ली में आप देख रहे हैं जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में लेडी ऑफिसर्स हैं, वो सारी लेडीज हैं. दे आर डूइंग इक्वली गुड, इनफैक्ट समटाइम्स मोर देन गुड than their male counterparts. And Rakesh believes, Rakesh यही कहते हैं कि if I am the police commissioner, जितनी लड़कियाँ हैं उनका मैं father figure हूँ. कभी भी फ़ोन करके, कभी भी ये करके ये लोग आएँ, अपने problems बताएँ. problem होने ही नहीं चाहिए. हम लोगों को सबको अपने आप को बदलना होगा. These girls who were so challenged, but they sang so beautifully. ये लोग अपने अंदर से इतना खूबसूरती, भगवान एक तरफ से कुछ लेता है, लेते हैं तो दूसरी तरफ से इनको इतनी अच्छी आवाज़ दी है. And I'm so thankful to both the Joint Commissioner of Police and to Shweta, the DCP here, who are giving them a platform here. अदरवाइज मैं तो कभी नहीं सुन पाती इन लोगों को. इतनी लड़कियों का हम लोगों ने योगा देखा, ब्यूटिफुली डन. जो बच्चों ने गाना गाया, जो बच्चे ने यहाँ पे आके, ये माता सुंदरी कॉलेज है, उनके बच्चों ने गिद्धा और भांगड़ा किया. दैट वॉज सो वेल डन. आई एम सो थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू. स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही. खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी. नमस्कार. ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV.